नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल है आपका भारत में हीट वेव। याद रखिए, हीट वेव को आप लोग गर्म लहर या ग्रीष्म लहर भी बोलते हैं, और इसका स्थानीय नाम भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे बुंदेलखंड में आपका इसे तवा बोलते हैं। आपने सुबह सुना होगा गाँव के लोगों से कि तवा तपा पड़ने लगी, ठीक है, यानी कि गर्मी पड़ने लगी। तो ये आपकी कब से कब तक रहती है? वही 6 से 7 8 दिन के करीब रहती है, 7 दिन के करीब, ठीक है। तो देखेंगे कि अभी ये आखिर चर्चा में क्यों है, इसका एक सामान्य परिचय देख लेंगे, और हीट वेव व इसकी घोषणा कब हुई है इसे भी देख लेंगे, और हीट वेव का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे, आसमान हीट वेव के कारण क्या है, और जो आपका अभी चक्रवात आया था अम्फान, इसका क्या प्रभाव है इस पर, उसे भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हीट वेव, वर्तमान हीट वेव का कालक्रम 22 मई से प्रारंभ हुआ था, इसके 29 मई तक जारी रहने की संभावना है। मई में होने वाली हीट वेव की स्थिति को लंबे समय तक देखा गया है, क्योंकि इस महीने में तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। पिछले 5 दिनों से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बहुत गंभीर गर्मी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस गर्मी में अपने पहले कालक्रम में इस हीट वेव ने राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री रिपोर्टिंग के साथ दिन के तापमान को सामान्य से काफी बढ़ा दिया है। कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट वेव बाय इसकी घोषणा की बात करें तो भारत में मार्च और जून के बीच हीट वेव होती है, जब मौसम में किसी स्थान के लिए अधिकतम दिन यानी कि दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है, तो मौसम वैज्ञानिक हीट वेव घटना की घोषणा करते हैं। पहाड़ियों के ऊपर थ्रेशोल्ड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जब दिन का तापमान किसी स्थान के साथ सामान्य अधिकतम तापमान से 4 से 5 डिग्री अधिक होता है, तो इसे हीट वेव के रूप में घोषित किया जाता है। आपका उदाहरण के लिए, यदि किसी दिन मैदानी क्षेत्र में किसी स्थान के लिए सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर आपका 45 डिग्री रिकॉर्ड होता है, तो उस स्थान पर हीट वेव का अनुभव हो रहा होता है, ठीक है। वैकल्पिक रूप से कोई भी स्थान जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है या सामान्य से 6 डिग्री से अधिक की दूरी दर्शाता है, या ये गंभीर हीट वेव की स्थिति होती है। एक हीट वेव आमतौर पर न्यूनतम 4 दिनों तक रहता है, कुछ अवसरों पर यह 7 या फिर 10 दिनों तक बढ़ सकता है। हाल के वर्षों में सबसे लंबे समय तक दर्ज किए गए हीट वेव स्पेल 18 से 31 मई 2015 के मध्य था, 2015 में देखा गया था। इस कालक्रम में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया था। 2014 में इसी तरह का एक हीट वेव 2 जून से 11 जून के दौरान बताया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा लंबी लंबे समय का आपका 2015 के मध्य देखा गया था। वर्तमान हीट वेव में स्पॉन 22 मई को शुरू हुआ था और 29 मई तक जारी रहने की संभावना है इसकी। मई में होने वाली हीट वेव की स्थिति को लंबे समय तक देखा गया है, क्योंकि इस महीने में मौसम अपने चरम पर पहुंच जाता है, जबकि जून में रिपोर्ट किए जाने वाले हीट वेव दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जल्दी समाप्त हो जाते हैं आपके। अभी इस हीट वेव का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी हम लोग जानते हैं। हीट वेव्स कोर हीट वेव जोन CHZ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ, गंगीय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में आम है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। कई हालिया अध्ययनों से हमें संकेत मिलता है कि CHZ
इन 4 महीनों के दौरान प्रतिवर्ष 6 से अधिक हीटवेव दिनों का अनुभव करता है। उत्तर पश्चिम में कई स्थानों और दक्षिण पूर्व तक तट के साथ शहरों में प्रति मौसम 8 हीटवेव दिन की सूचना है। हालांकि अधिकतर उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र हीटवेव के लिए कम प्रवण हैं। ठीक है, असामान्य हीटवेव के कारण क्या होते हैं उसे भी देखते हैं। भारत में गर्मी का मौसम 15 मई तक अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब पूरे उत्तर पश्चिम मध्य भारत में दिन का तापमान 40 डिग्री को पार कर जाता है और 45 डिग्री के आसपास हो जाता है। इस वर्ष उत्तर भारत में 21 मई तक इस तरह के तापमान का अनुभव नहीं हुआ। इस मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का निरंतर प्रभाव था, जिसने मौसम में जिसमें ने उत्तर में आपका मौसम को अप्रैल के अंत तक प्रभावित किया था। पिछली सर्दियों के बाद उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के लगातार गुजर रहा है, हर 5 से 7 दिनों के बाद दिखाई देता है। भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ने वाली हवा है, जो निश्चले वायुमंडलीय स्तरों में उड़ती है। वे अपनी आगे की यात्रा के दौरान किसी क्षेत्र के स्थानीय मौसमों को प्रभावित भी करती है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच लगभग 20 वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक तरह का रिकॉर्ड था, जब पश्चिमी विक्षोभ 2 दक्षिणी समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से बहने वाली गर्म हवाओं के साथ मौसम प्रणालियों के साथ बातचीत करता है, तो वे उत्तर में बर्फबारी या फिर बारिश का कारण बनते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का एक महत्वपूर्ण प्रभाव दिसंबर से फरवरी के दौरान अनुभव किया जाता है, हालांकि इस वर्ष इसका प्रभाव मई की शुरुआत तक बना रहा। हाल ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाओं का समर्थन भी मिला है। इसने मई के मध्य तक राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ वर्षा की गतिविधियां शुरू की है, जो गर्मियों के मानकों के मुकाबले वायुमंडलीय स्थितियों को सामान्य बनाए रखती है। IMD के अनुसार 2020 में अखिल भारतीय औसत तापमान सामान्य से नीचे गिर गया और जनवरी में -0.6 डिग्री और फरवरी में +0.2 डिग्री, मार्च में 0.8 डिग्री और अप्रैल में -0.1 डिग्री रहा है। इस पर आपके चक्रवात का क्या प्रभाव रहा है, जो अम्फान चक्रवात आया हुआ था? चूंकि चक्रवात अम्फान के गुजरने के तुरंत बाद भीषण गर्मी की सामने आई है, विशेषज्ञों ने वर्तमान ऊष्माघात के कारण इसकी भूमिका की पुष्टि की है। चक्रवात अम्फान, जो 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विशाल सुपर स्टॉर्म था, बंगाल की खाड़ी, पूरे दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत के कुछ हिस्सों, कुछ हद तक अरब सागर से भी अधिकतम नमी को खींचने में कामयाब रहा। सभी नमी जो कि गरज और वर्षा के दौरान अन्यथा बनी हुई थी, धीरे धीरे विशाल क्षेत्रों से खत्म हो गई, क्योंकि तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 16 से 20 मई के बीच उत्पन्न हुआ। अब राजस्थान में उड़ने के लिए शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भीषण गर्मी भी पड़ रही है आपकी। तो यह अम्फान का प्रभाव था। तो ये थे आपकी एक तरह से हीट वेव यानी कि गर्म लहर, ठीक है, गर्मी का टाइम, ठीक है।